भी देख लिया ना तो सीधे तेरे फ्लैट पर आ जाएगा। हाँ हाँ डोंट वरी, वैसे भी मैं उसके साथ कमिटेड नहीं हूँ। यहाँ के जितने भी एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स हैं, उन सब की रिकॉर्डिंग निकलवाओ। नहीं सर, जब मैं यहाँ पर आई तो यहाँ पर कोई भी नहीं था। मुझे लगता है ये हमें कोई मैसेज देना चाहता है, लेकिन सर आप चिंता मत कीजिए, मैं छानबीन कर रहा हूँ। ये मर्डर तूने ही तो नहीं कर दिया हवलदार, ऐसे भी सकल था तू, मुझे चोर लुटेरा सा ही लग रहा है। पुलिस का टाइम खराब करने की सजा जानते हो, मैं कैसे मान लूं कि तुम ही किलर हो? तुम लोगों को मालूम भी है कि मेरा बाप कौन है? तुम दो टके के लोगों को लगता है कि वो सीरियल किलर मैं हूँ? और अगर तुम्हारे पास रिटर्न में परमिशन है कि मैं कहीं नहीं जा सकती तो दिखा दो। क्यों मारा उस लड़की को? क्यों मारा उस लड़की को? What is this rubbish? हाँ? तुम लोग यहाँ भी आ गए? क्या बदतमीजी है ये? हाँ? दिमाग खराब हो गया तुम लोगों का? एक के बाद एक लड़कियों का मर्डर तू करे जा रहा है और बदतमीजी हम कर रहे हैं। बता क्यों मारा उस लड़की को? मैंने कहा था ना मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। कौन सी लड़की? मैं तुम लोगों को पहले भी बोल चुका हूँ और अब भी बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता किसी लड़की के बारे में और मैंने किसी लड़की को नहीं मारा। खामा खाना मेरा पीछा करना छोड़ दो। तू ऐसे मुंह नहीं खोलेगा, मुझे पता है तेरा मुंह कैसे खुलवाना। बता क्यों मारा उस लड़की को? बोल क्यों मारा उस लड़की को? सर ये क्या कर रहा है? छोड़िए इसे। Excuse me, तुम लोग ना ऐसे कानून अपने हाथ में नहीं ले सकते। अगर एक कंप्लेंट कर दी ना, तुम लोग सोच भी सकते तुम्हारा हाल क्या होगा। तुम्हें बताया था ना मैंने कि कौन है मेरा बाप? तू करेगा मेरी कंप्लेंट? एक बार तेरे खिलाफ कोई सबूत मिल जाने दे, अगर तुझे घसीटते हुए थाने नहीं लेके गए ना तो मेरा नाम जतिन शर्मा नहीं। ओके कूल, जो करना है वो करो, लेकिन पहले जाके मेरे खिलाफ ना वारंट लेकर आओ और उससे पहले मेरे इर्द गिर्द नजर मत आ जाना। पर कैसे पागल पुलिस वाले भर रखे, ऐसे होता है क्या? साइको, ये पहला मर्द है जिसका टच मुझे पसंद ही नहीं आया। हाँ हाँ ठीक है, चल अब निकल यहाँ से। सर बिना किसी सबूत के आप किसी के साथ मारपिटाई नहीं कर सकते, ये कानून के खिलाफ है। अगर उस किलर को पकड़ना इतना ही आसान होता तो अभी तक मैं उसे पकड़ चुका होता। मेरे 7 साल के करियर में ये पहली बार हुआ है कि मैं कोई केस सोल्व नहीं कर पाया, इसलिए अपने दिमाग को थोड़ा ठंडा रखिए। चैलेंज हार गए तुम, नहीं बचा पाए ना उस लड़की को। देख तू जो कोई भी है ज्यादा दिन तक बच नहीं पाएगा, तुझे मैं पकड़ तो लूंगा ही, इससे बढ़िया है तू खुद को सरेंडर कर दे, शायद तेरी सजा थोड़ी कम हो जाए। नेक्स्ट टारगेट की इन्फॉर्मेशन चाहिए? चलो डिटेल्स लिखो। पायल मिश्रा, सेक्टर 70, गुड़गांव। ये पार्टी सैटरडे को है क्योंकि डॉक्टर की तरह मैं ट्यूसडे को नहीं सिर्फ सैटरडे को पार्टी करता हूँ। अबे सुन मेरी बात। सर फोन मेरा है। सर एक एक आदमी जो इस केस में इन्वॉल्व है मुझे कल मेरे सामने चाहिए, चाहे वो सोसाइटी का मैनेजर हो या उस लड़की का बॉयफ्रेंड हर्षित, सबके सब। सर जी ये डॉक्टर जतिन मुझे पूरे का पूरा सही को लगता है, इतना भी कोई गुस्सा करता है? उस बेचारे डिजाइनर का पूरा पूरा डिजाइन बदल दिया। औरों पे शक करना तो ठीक है पर वो तो उस लड़की पे शक कर रहे हैं। वो बेचारी इतनी सुंदर सेक्सी मासूम सी लड़की, वो मर्डर कर सकती है क्या? छी छी छी, कितने गिरी हुई सोच के आदमी है। सर मानो या ना मानो मुझे तो इन्हीं पे शक हो रहा है, वरना आप एक बात बताओ, जिस लड़की का मर्डर हुआ वो इन्हीं की बाहों में आग क्यों गिरी? मेरी बाहों में भी तो गिर सकती थी। डॉक्टर है इसका मतलब ये नहीं कि वो किलर नहीं हो सकते। हवलदार दिमाग बहुत तेज चलता है तेरा, पर गलत टाइम और गलत जगह पे चलता है। अगर सर को पता चल गया ना तो उनके बारे में ये सोच रहा है तो उस डिजाइनर से भी बुरा हाल करेंगे तेरा, इसलिए जो काम दिया गया वो कर ले। ना ना सर, ये तो आपके और मेरे आपस की बात है, मुझे क्या वो डिजाइनर पकड़े या किसी और को। वैसे भी वर्ल्ड कप चल रहा है, मैं तो घर जाके मैच देखूंगा, और इतने पैसे तो है नहीं कि भी बच्चों को कहीं घुमा के ले आऊं, तो ऐसे टाइम पास करेंगे। तो क्रिकेट मैच देखते देखते साथ में कुछ कमा भी ले। अब क्या मैं सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर लूं सर? अबे ट्रेडिंग करना बिनोमो ऐप पे, जैसे मैं करता हूं अपने खाली टाइम में। बिनोमो ऐप ये क्या है सर? बिनोमो ऐप एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जहां तू दिन के 1000 रुपए तक जीत सकता है और विड्रॉ कर सकता है बहुत ही आसानी से, फोन पे बैलेंस पे कुछ भी यूज करके। लेकिन सर मैंने कभी ट्रेडिंग की ही नहीं। अरे बहुत इजी है, घबरा मत, देख मैं दिखाता हूँ। ये डेमो अकाउंट है, इसमें $1000 है, देख ये मैंने ट्रेड किया, जा रहा है ना ग्राफ ऊपर, देखता जा। ये देख ये आया प्रॉफिट बार, आया ना मजा, ले बिनोमो से प्रॉफिट विड्रॉ करने का मैसेज भी आ गया। ये तो बहुत आसान था,
वही तो बात है। और अगर बाय चांस तू कहीं अटक भी जाए तो इनका 24 घंटे चैट सपोर्ट है। अच्छा जी, अब तू पहली बार ट्रेड करेगा तो तुझे वैसे ही वेलकम बोनस और अनलिमिटेड डेमो अकाउंट जैसे कई सारे फायदे मिलेंगे। और जब तू मेरी तरह वीआईपी क्लाइंट बन जाएगा तो तुझे पर्सनल मैनेजर भी मिलेगा और तेरा प्रॉफिट परसेंटेज भी बढ़ जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये भरोसेमंद प्लेटफॉर्म है, ना तो विड्रॉ करने में टाइम लगता है और ना ही कोई कमीशन कट होता है। और तो और ट्रेड करने के लिए इतने सारे एसेट्स, मजा आएगा फिर तो ट्रेड करने में। और नहीं तो क्या, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से डाउनलोड कर। अभी डाउनलोड करता हूं सर आपके कूपन कोड से, फिर बहुत जल्दी रिपोर्ट देता हूं आपको केस की भी और ट्रेडिंग की भी। चलता हूं सर। लीजिए सर, ये ना आपका किलर, आज इस केस का चैप्टर खत्म ही कर दीजिए। है कौन ये? ये हर्षिता सर, मेघा का बॉयफ्रेंड। एयरपोर्ट से पकड़ा इसे, शहर छोड़कर भाग रहा था। नहीं सर, मैंने कोई मर्डर नहीं किया, मैं तो मेघा से प्यार करता था। अगर तूने कुछ नहीं करा तो ऐसे चोरों की तरह शहर छोड़कर क्यों भाग रहा था? क्योंकि मुझे पता था कि तुम लोग मुझे ही पकड़ोगे, तुमसे ये केस तो सोल्व होगा नहीं और किसी ना किसी को तो तुम काटोगे। मुझसे अच्छा बकरा तुम्हें कहां ही मिलेगा, ना मेरे पास पैसा है और ना ही कोई खास बैकग्राउंड। तो तुझे क्या लगता है, अगर किलर पैसे वाले की औलाद होगा तो हम उसे छोड़ देंगे? नहीं, पर इस दुनिया का यही उसूल है कि पैसा है तो सब कुछ है। देख, अगर तूने कुछ नहीं किया है तो डरने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर तूने कुछ भी किया है तो अभी बता दे, वरना बाद में ये तुझे मारेगा बहुत। अरे नहीं सर, भला मैं उसे क्यों मारूंगा, मैं सच में उससे शादी करना चाहता था। वही अचानक से कभी भी कहीं भी गायब हो जाती थी, ना फोन का आंसर करती और वियर्ड सा बिहेव करने लगी थी। मुझे तो लगता है उसका कहीं और अफेयर चल रहा था, मैं अगर उसे कुछ भी पूछता ना तो नाराज हो जाती थी। तुझे आइडिया है किससे मिलती होगी वो? कभी किसी का नाम सुना था उसके मुंह से? सर भला वो ये सब मुझे क्यों ही बताएगी, बस मैं कोई इमोशनल ड्रामा ना करूं इसलिए वो मुझसे ब्रेकअप नहीं कर रही थी। अभी के लिए तू यहां से जा सकता है, लेकिन शहर से बाहर नहीं। जी सर, तो अभी मैं निकलूं? थैंक यू सर। प्राइवेट नंबर, ये किलर मुझे क्यों फोन कर रहा है? हेलो डॉक्टर शर्मा, आप भी बाकी टीम के साथ मिलकर अंताक्षरी खेलने लग गए क्या? कौन भोग रहा है बदतमीज? अबे मैं आईजी बोल रहा हूँ, केस में इतना दिमाग लगा दिया है क्या कि मेरा नाम और नंबर दोनों नहीं पहचान पा रहे? सर आप, लेकिन मेरे फोन पे तो प्राइवेट नंबर लिखा रहा है। अरे सॉरी यार, शायद मैंने तेरे को अपने प्राइवेट नंबर से कॉल कर दिया होगा। आपके पास भी है क्या सर प्राइवेट नंबर? अरे तो क्या हो गया, हर किसी के साथ नंबर थोड़ी शेयर कर सकता हूँ। शर्मा जी आप ये सब हटाओ, सबसे पहले आप ये बताओ कि केस का क्या हुआ? हाय, तो आप बड़े कॉन्फिडेंस में थे, इस किलर ने क्या आपकी भी बत्ती गुल कर दी? हम काफी क्लोज है सर, बहुत जल्दी किलर को पकड़ लेंगे। अरे शर्मा जी जल्दी की बात आप रहने ही दो, बस इतनी देर मत कर देना ना कि एक आध और मर्डर हो जाए। और अब इस केस के छोटे से छोटे डिटेल को आप मेरे साथ शेयर करोगे, क्योंकि अब इस केस को मैं क्लोजली मॉनिटर करने वाला हूँ। जी सर। क्या हुआ सर, लगता है आईजी साहब ने कुछ ज्यादा ही प्यार मोहब्बत की बातें कर ली। आईजी सर तो ये सब क्यों ही करेंगे, प्राइवेट नंबर तो किसी के पास भी हो सकता है। हर्षित अगर मारता तो सिर्फ मेघा को मारता, बाकी लड़कियों को क्यों मारता? ये साला डिजाइनर ही को है, कहीं ये सब उसी का तो काम नहीं? कुछ तो है जो मैं मिस कर रहा हूँ। गंगाधर मेरा ही दूसरा रूप है। लेकिन तुम्हें दूसरा रूप धारण करने की क्या जरूरत है, शक्तिमान बनकर भी तो रह सकते थे। वास्तव में ये मेरे दो रूप हैं। ये डॉक्टर जतिन पागल वागल है क्या दिमाग से? आधी रात को हमें यहाँ बुला के रखा हुआ और अभी तक खुद नहीं आया। अगर कोई काम की बात नहीं हुई ना, सुबह सबसे पहले इसके हाथ में सस्पेंशन लेटर दूंगा मैं। तुम में से किसी को पता है क्या बात है? सर हमें तो बस इतना ही बोला था कि फटाफट ऑफिस आ जाओ, हम आ गए। सर हमें वेट करवाना तो चलता है, लेकिन आईजी साहब को भी वेट करवा रहे हैं। सर जब भी वो आए ना, उन्हें डांट जरूर लगाना। अरे देखो आ गए डॉक्टर साहब,
डॉक्टर साहब आपने अभी आने की तकलीफ क्यों करी? कल सुबह आ जाते। अबे आईजी को वेट कराया तूने, इसका नतीजा जानता है क्या होता है? तूने क्या मेरे को कोई दो कौड़ी का ठुल्ला समझा है? इसकी तरफ जो 100 रुपए के लिए पूरे दिन गाड़ियों के पीछे भगता है, बताओ क्या बात है? बताता हूँ आईजी साहब, आप हम लोगों का सस्पेंस खराब मत करो। किलर का फोन तो आने दो, वैसे भी कल मर्डर होने वाला है और वो मर्डर करने से पहले रिमाइंड जरूर कराएगा, क्यों इंस्पेक्टर साहब? सर जरूरी थोड़ी है कि वो हर बार फोन करके रिमाइंड कराए। अरे ऐसे कैसे हो सकता है, फोन तो आएगा। लो कहते ही आ गया, उसी का है ना? यस सर। नेक्स्ट असाइनमेंट के लिए रेडी हो इंस्पेक्टर? देख तू अब हमसे ज्यादा दूर नहीं है, अभी भी टाइम है, सरेंडर कर दे। अगर तुमने कल उस लड़की को मरने से बचा लिया तो मैं पक्का सरेंडर कर लूंगा। आज इससे बात मैं करूंगा। एक बात बताओ ब्रदर, पिछले साल तुमने दिवाली पे क्या करा था? अगर तुम्हारी पूरी पुलिस फोर्स भी आ जाए तब भी मुझे नहीं रोक सकती। हाँ हाँ ठीक है, पर अब ये बता न्यू ईयर का क्या प्लान है? हर बार की तरह लेट मत कर देना इंस्पेक्टर, रखता हूँ। ये क्या पागल वागल आदमी है क्या? तू सवाल क्या पूछ रहा है और ये जवाब क्या दे रहा है? क्योंकि मशीन सिर्फ वही करती है जो उनसे करवाया जाता है। अरे डॉक्टर साहब आपके साथ क्या होता है, आपकी बुद्धि चटक जाती है? सीधे सरल शब्दों में समझाओ कि कहना क्या चाहते हो। मतलब ये कि कोई किलर है ही नहीं, ये तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके इंटरनेट से प्री रिकॉर्डेड कॉल्स आ रही है हमारे इंस्पेक्टर साहब के पास। अरे डॉक्टर साहब क्यों बात की जलेबी बनाए जा रहे हो, सीधे सीधे बता दो ना। सर सीधा सीधा बताऊं तो किलर जो भी बात कर रहा है वो पहले से ही रिकॉर्ड हो रखी है, और ये तभी पॉसिबल है जब फोन करने वाला और फोन उठाने वाला बंदा सेम हो। आप कहना क्या चाहते हो, ये सब कुछ सर ने? बिल्कुल सही, किलर कोई और नहीं खुद इंस्पेक्टर राम है। ये आप क्या बोल रहे हो सर? अच्छा समझ नहीं आया तुझे, सही से समझाता हूँ। कुछ तो मेरे सामने था जो मुझे दिखाई नहीं दे रहा था, उसके बाद इंस्पेक्टर साहब ने मुझे बताया कि ये 7 साल में पहला केस है जो वो सॉल्व नहीं कर पाए। मुझे लगा कि इस बार बहुत ही चालाक किलर टकराया है, इसलिए मैं इस केस में और घुसा। फिर मुझे पता चला कि ये सारे फोन कॉल्स इंस्पेक्टर साहब के पास क्यों आ रहे थे, ना ही इन्होंने मुझे कभी किलर से बात करने दी। फिर मेरा शक यकीन में बदल गया कि सारे मर्डर इंस्पेक्टर ने ही करे हैं। अब क्यों करे हैं ये तो इंस्पेक्टर साहब ही बताएंगे। डॉक्टर साहब आप बहुत बड़ी एलिगेशन लगा रहे हो इन पर, और तुम खामोश क्यों बैठे हो? क्या इन सब चीजों के पीछे तुम ही थे? जवाब दो। नहीं सर नहीं, मैं क्यों किसी का मर्डर करूंगा सर? ऐसा कुछ जवाब दूंगा यही सोच रहा होगा ना तू? मर्डर नहीं करता मैं, सजा देता हूँ, देश की गंदगी साफ कर रहा हूँ। तुम्हें तो मुझे मेडल देना चाहिए, मुझे किलर बोल के मेरी बेइज्जती कर रहे हो। आ गया ना अपनी औकात पर। चलिए बता इसमें देश का भला कैसे? इसे देश की मदद नहीं तो क्या बोलेगा बेतू? ये सारी की सारी गिरी हुई लड़कियां थी, जहां पैसे वाला लड़का दिखा वहीं तुम हिलाना शुरू, और ऐसी लड़कियों को तो जिंदा रहने का हक ही नहीं होना चाहिए ना। वो चाहे कुछ भी कर रही थी, तेरा क्या ले रही थी, तू क्यों लड़कों का मसीहा बन के घूम रहा था? क्योंकि मेरे साथ भी तो कुछ ऐसा ही हुआ था ना। बहुत प्यार करता था मैं सोनम को, जब सोनम मेरे साथ होती तो मुझे लगता था कि जिंदगी में मुझे और कुछ चाहिए ही नहीं। वो हमेशा हंसती रहती थी और मैं बस उसे देखता ही रहता था। एक दिन मैं अपने जरूरी काम से मुंबई में था, तब सोनम ने मुझे फोन पर बताया कि उसकी तबीयत खराब है, इसलिए वो मुझसे फोन पर बात नहीं कर सकती। तो मैंने सोचा उसके घर जाकर उसे सरप्राइज देता हूँ, शायद उसे खुशी मिले। लेकिन जब मैं उसके घर पहुंचा तो वो घर पर नहीं थी, और जब मैं उसकी सोसाइटी से बाहर निकला तब मैंने देखा सोनम। तुम्हारे साथ कब दिन से रात हो जाती है पता ही नहीं चलता, और आज का दिन तो काफी स्पेशल था। आपके साथ बताया हुआ हर दिन बहुत स्पेशल होता है बॉस। अरे बॉस बॉस ना ऑफिस तक रखो, ऑफिस के बाहर मैं तुम्हारा बॉस नहीं दोस्त हूँ, खास दोस्त। ईशान अखी और बताओ। किसका कॉल है? अरे नहीं नहीं भाई का कॉल था ये तो। अच्छा चलो मैं चलता हूँ, कल मिलते हैं सेम टाइम सेम जगह।
लड़की के साथ हैं? क्यों परेशान कर रहा है लड़की को? अबे ओए, है कौन तू? अरे जबरदस्ती दिख रही है, ये सब जो भी हो रहा है ना इसकी मर्जी से हो रहा है। राम तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम तो मुंबई थे ना? वो सब मैं तुझे बाद में बताऊंगा, पहले ये बता ये कौन है? जबरदस्ती कर रहा था ना तेरे साथ? जबरदस्ती कर रहा था ना? बोल। अबे ओए, जो तू कर रहा ना उसे जबरदस्ती कहते हैं, और अब बिना मतलब दिमाग की मावे मत कर, निकल। बंदी है मेरी, अगर आज के बाद इसके आसपास भी दिख गया ना जान से मार दूंगा। राम तुम पागल हो गए हो क्या? छोड़ो इसे, जाओ यहाँ से, तुम होश में नहीं हो। क्यों, कुछ गलत बोल रहा हूँ क्या? और ये है कौन? बॉयफ्रेंड है तेरा? बोलना। हाँ है, सुन लिया, अब जाओ यहाँ से। और हाँ, औकात क्या है तुम्हारी? अपनी औकात देखो, उसको देखे गर्लफ्रेंड बनाना। सुन लिया, होगी तसल्ली या कुछ और भी सुनना बाकी है? अब चुपचाप ना निकल यहाँ से, वरना इतना मारूं अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो पाएगा। चल। और बेबी आज रात तुम मेरे घर रुकोगी, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारे लिए सेफ नहीं। लेट्स गो। सोनम, सोनम तू ऐसा करेगी मेरे साथ? सोनम, सोनम हट। मैंने 18 दिनों तक लगातार उसे 8,940 कॉल्स और 3,00,000 से भी ज्यादा मैसेजेस करे, पर उसका कोई रिप्लाई नहीं आया। उसके घर के चक्कर भी काटे, पर एक बात मुझे तब समझ आ गई कि ऐसी लड़कियां सिर्फ पैसे वालों पर ही मरती हैं। फिर मैंने ऐसी लड़कियों को ढूंढना और उन्हें मारना शुरू किया। और मेरा सपना है सर, एक दिन ऐसी लड़कियों से अपने देश को मुक्त करके ही रहूंगा। वाह, कितना बड़ा देशभक्त है तू। अगर ऐसा ही था तो अपनी गर्लफ्रेंड सोनम को मारता ना। बाकी लड़कियों ने क्या बिगाड़ा था, उन्हें क्यों मारा? तेरे जैसा पागल आज तक नहीं देखा। इतनी सी बात के लिए तूने इतनी सारी लड़कियों की जान ली? तेरे जैसा पागल बाहर नहीं सलाखों के पीछे होना चाहिए। हवलदार, अभी के अभी इसे मेरे नजरों के सामने से ले जाओ। I'll make sure कि तुझे फांसी की सजा। लेकिन सर, फिर मेरा सपना कैसे पूरा होगा? सर सर, मैंने 7 साल तक पूरी ईमानदारी के साथ पुलिस की नौकरी करी है। मेरा एक आखिरी काम करोगे? मेरी गर्लफ्रेंड सोनम सर, वो घर पर अकेली है, उसे ठंड लग रही होगी, उसे फ्रिज से निकाल दोगे? पिछले 1 महीने से फ्रिज में ही पड़ी है। प्यार जब जुनून बन जाए तो वो जहर का काम करता है। जिंदगी एक बार मिलती है, इसे ऐसे ना बर्बाद करो। किसी और से प्यार करने से पहले खुद से प्यार करो। तो गाइज, अगर यहां तक आपने वीडियो देख ली तो इसको लाइक कमेंट शेयर कर देना, और चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी महीने में 2-3 वीडियो और आने वाली है आप लोगों के लिए। और जो घंटा है साइड में उसको दबा लेना ताकि तुम्हारे पास नोटिफिकेशन आ जाए। और जाते जाते बिनोमो ऐप को डाउनलोड कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।